हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं देख रहे हैं प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है पार्ट 6। इससे पहले मैंने पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 बनाए हैं, जिसमें सब में 25-25 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। पार्ट 6 में भी दोस्तों 25 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप दोस्तों कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, उसमें से एक क्वेश्चन सेफ्टी से जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन एलियल एंड यूईएल, यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है, इसके बारे में बताइए। चेक वेन कैच फायर एंड एक्सप्लोजन, कब आग लगेगी और कब एक्सप्लोजन होगा। एलियल पे आग लगेगी या एक्सप्लोजन होगा, या मतलब एलियल के ऊपर थोड़ा अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, अगर अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के रेंज में है तो उस समय अगर आग लगेगी या एक्सप्लोजन होगा। तो एलियल या यूईएल किस पे आग लगती है, किस पे एक्सप्लोजन होता है, ये डिफाइन करके आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन को आप समझे दोस्तों, एलियल के नीचे जाने अगर एलियल है अपर जो है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे उससे थोड़ा सा क्रॉस करोगे, थोड़ा सा, जैसे अगर हम बात करें कि कोई केमिकल है जिसका जिसका एलियल 4 है, तो अगर आप 6 पे, अगर 4 है आपने 6 कर दिया उसे, तो उस कंडीशन में आग लगेगी या एक्सप्लोजन होगा। या किसी का अपर एक्सप्लोजन लिमिट जो है 60 है, आपने 60 को ना करके आप उसे 70 कर दिया या 80 कर दिया या 55 कर दिया, तो उस केस में आग लगेगी या फायर होगी, ये पूछा जाता है। एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा वीडियो में। विच इज द बेस्ट एलियल या यूईएल। दोस्तों आप जानते हो प्लांट में हम एलियल भी मेंटेन करते हैं और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट भी यूईएल भी मेंटेन करते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट है, मैक्सिमम प्लांट तो जो है एलियल पे वर्क करते हैं कि वहाँ पे लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट रखते हैं सभी सभी वेसल में या कहीं भी एंट्री करानी हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें यूईएल का भी सहारा लेना पड़ता है, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो कौन सा बेस्ट है, एलियल बेस्ट है या यूईएल बेस्ट है, और कहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे हम अपर एक्सप्लोजिव लिमिट पे प्लांट चलाते हैं, कौन सा ऐसा प्लांट है, कहाँ पे प्लांट का वो कौन सा सेक्शन है जहाँ पे हम अपर एक्सप्लोजिव लिमिट मेंटेन करते हैं, वो भी मैं वीडियो में बताऊँगा। शुड बी अलाउड टू डू वर्क विन एलियल 0, क्या हमें जब एलियल 0 हो तो क्या हमें काम काम अलाउ करना चाहिए। जैसे वर्कर हैं, आपने चेक किया कि एलियल 0 है, तो इसका क्या मतलब कि आप कह दोगे कि भाई तू जा काम कर ले, क्या आप अलाउ करोगे या नहीं। अगर अलाउ करोगे तो क्यों करोगे, अगर अलाउ नहीं करोगे तो क्यों करोगे, ये पूछा जाता है कि शुड बी अलाउ टू डू वर्क व्हेन एलियल 0, क्या हमें काम कर दे कराना चाहिए जब एलियल 0 हो। इसी तरह नेक्स्ट है कि शुड बी अलाउ टू डू वर्क व्हेन एलियल प्रेजेंट, क्या एलियल 0 नहीं है, मतलब जो एलियल होना चाहिए वो नहीं है, 0 नहीं हुआ है। जैसे अमोनिया की एलियल हमारी जो है, अगर कोई भी फिक्स मुझे याद नहीं है, अगर किसी भी चीज़ का एलियल जैसे 10 है, लेकिन आप बहुत कुछ किए जो है, एयर से रिमूव किए, स्टीम से रिमूव किए, बहुत कुछ आपने किया, लेकिन वो 0 नहीं आ रहे। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए वेसल में, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री करा सकते हो या कुछ भी करा सकते हो। तो सपोज करो कि अगर वो 0 नहीं हो रही है तो क्या उसमें आप काम कराओगे या नहीं कराओगे। मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होता है कि सर जब एलियल 0 नहीं होगा तो हम काम नहीं कराएंगे, लेकिन दोस्तों अगर उस कंडीशन में अगर आप काम नहीं कराओगे, अगर काम ही ऐसा है तो कराना ही पड़ेगा, किसी भी ना किसी तरीके से कराना ही पड़ेगा। तो आप तो वहाँ पे मना नहीं कर सकते, अगर मना कर दोगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, बहुत वो लॉस होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर एलियल 0 हो या ना हो, काम को कराना पड़ता है, लेकिन उसका एक मेथड होता है। जब एलियल 0 नहीं आता है, बहुत कोशिश करने पे भी 0 नहीं आता,
तो ऐसा क्या प्रिकॉशन लेके काम को करते हैं, या क्या क्या ऐसे चेक पॉइंट ध्यान में रख के काम को करते हैं, या उस काम को कैसे करते हैं? जैसे वेल्डिंग, किसी वेसल में वेल्डिंग करनी है, लेकिन वहाँ पे वो जैसे एथेनॉल का वेसल है, लेकिन वहाँ पे एलियल जो है जीरो नहीं आ रही है, बिल्कुल एथेनॉल निकल ही नहीं पा रहा, लेकिन वहाँ पे वेल्डिंग हमें करनी है, साहब ने बोल दिया करनी है तो करनी है। तो अगर आप वहाँ पे अगर काम कराओगे तो क्या क्या चेक पॉइंट ध्यान में रखोगे वो बताइए, क्योंकि काम तो कराना है, उसने कह दिया कराना तो है, तो करना तो है तो करना है, तो कौन कौन से पॉइंट है? और हो भी जाता है, मैक्सिमम हमने भी ऐसे काम करा है जहाँ पे एलियल जो है प्रेजेंट था, फिर भी एलियल जीरो नहीं था, लेकिन हमने काम करा है, वो कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। ये पूछा जाता है कि कास नंबर क्या है, आइडियालज क्या है, टीएलवी क्या है, जो टीएलवी थ्रेशोल्ड लिमिट है, टीएलवी वीसी क्या है, इमीडिएट डेंजर्स, लाइफ एंड हेल्थ क्या है, कास नंबर जो है, ये जो है दोस्तों एमएसडीएस में है, और ये क्या है इनके बारे में पूछा जाता है, एसटीएल क्या है, पीईएल क्या है, आरईएल क्या है, टीडब्ल्यूए क्या है, यानी कि एसटीएल यानी शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजिव लिमिट, परमिसिबल एक्सप्लोजिव लिमिट, और टीडब्ल्यूए टाउन टाइम वेट एवरेज होता है, रील का जो भी है आप देख लेना, ये जो है एमएसडीएस के पार्ट हैं, इनको तो आप जानते हो क्योंकि नेट पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ये थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ वो नहीं है, एक बार थ्योरी इनकी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे मैं बता ही दूंगा क्या है इस समय। थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन L50 डर्मल एंड L50 डोज, L50 डर्मल और L50 डोज ये क्या है, L50 क्या है, ये भी पूछा जाता है, एमएसडीएस का ये भी पार्ट है। जो मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट आप देखोगे तो उसमें केमिकल के ये सारे केमिकल का कास नंबर रहेगा, आईडीएलएच रहेगा, टीएलवी रहेगी, टीएलवीसी रहेगी, एसटीएल रहेगा, उसका पीएल रहेगा, रेल रहेगा, टीडब्ल्यूए रहेगा, LD50 डर्मल रहेगा, LD50 डोज भी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट बिटवीन एक्यूट इफेक्ट एंड क्रोनिक इफेक्ट। कोई भी केमिकल दो तरह से हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, एक तो एक्यूट इफेक्ट देता है और एक क्रोनिक इफेक्ट देता है, तो दोनों में अंतर क्या है वो पूछा जाता है। व्हाट इज कैटास्ट्रोफिक रिलीज, कैटास्ट्रोफिक रिलीज क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिलीज हो रहा है तो क्या वो उसे हम कब हम उसे कैटास्ट्रोफिक रिलीज कहेंगे, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज होगी तो उसे क्या हम कैटास्ट्रोफिक रिलीज कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्या है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों सेफ्टी के टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, VULNEABILITY, सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी क्या, ये दोस्तों सेफ्टी का बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी आप काम करने जाते हो तो ये जरूर काम आता है। लेटर एंड स्प्रिट क्या है, कंपनी में काम करते हो तो लेटर स्प्रिट के बारे में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एलियल एंड यूएल लिमिट ऑफ वेरियस केमिकल, दोस्तों बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, जैसे वो पूछेगा कि अमोनिया का एलियल क्या है, या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, क्लोरीन का क्या है, ब्रोमीन का क्या है, तो ढेर सारे केमिकल के एक लिस्ट आप बना लेना, और उनके एलियल पॉइंट, हाइड्रोजन का एलियल पॉइंट क्या है, या कौन सा, ये भी पूछता है एक क्वेश्चन, इसमें ये भी आप ऐड कर लो कि किस केमिकल का एलियल पॉइंट और यूएल पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कौन सा केमिकल जो है बहुत ही खतरनाक है, वो केमिकल का नाम बताओ जो बहुत ही हाईली, उस जिसका एलियल वैल्यू और यूएल वैल्यू का जो रेंज है बहुत अधिक है, उस केमिकल का नाम बताओ। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका एलियल और यूएल सबसे अधिक है अन्य अन्य केमिकलों के मुकाबले। सेफ्टी ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग मैनुअली, जब मैनुअली आप किसी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान हैंडल कर रहे हो तो उस केस में कौन सा सेफ्टी पॉइंट ध्यान में रखोगे। टाइप ऑफ हजार्ड्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर आपके यहाँ प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वेसल
वेसल को लगाया जा रहा है, दीवार दीवार बनाई जा रही है, या कुछ भी ऐसा खुदाई वगैरह कुछ भी हो, कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब कि एक इंडस्ट्री ही लगाना, नई इंडस्ट्री लगाना, तो उस केस में कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कटिंग वेल्डिंग या कुछ भी चल रहा है, तो उस केस में कौन कौन से हजार्ड्स होंगे। व्हाट इज सिल्कोसिस, सिल्कोसिस क्या है और इसके इसके प्रोटेक्शन क्या है या प्रिवेंटेशन क्या है, तो सिल्कोसिस के बारे में मैं आपको अवेयर कराऊंगा क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। दोस्तों ये सिल्कोसिस आज तक भी लाइलाज बीमारी, अगर किसी को सिल्कोसिस हो जा रही है तो कोई ऐसा आज तक को जो है इलाज नहीं है जिससे सिल्कोसिस सही हो सके। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, अगर इलेक्ट्रिक सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या प्रोटेक्शन है जो हमें यूज करने हैं इलेक्ट्रिक वर्क काम करते वक्त, तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में भी अवेयरनेस मैं आपको कराऊंगा। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस क्या है और कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये कन्फाइंड स्पेस है या नहीं है, ये भी हमें जानना है। 10 एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, 10 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा 10 एग्जाम्पल दो जो लगे कि कन्फाइंड स्पेस है। हजार्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में आप बताओ। WBGT इन टर्म ऑफ कन्फाइंड स्पेस, ये दोस्तों वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर है, कन्फाइंड स्पेस के टर्म में वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर क्या है और कैसे वर्क करता है इसके बारे में पूछा जाता है। मैं हिंट के रूप में आपको बता दूं कि WBGT कुछ नहीं है, ये जो है एक, अगर कन्फाइंड स्पेस में कोई काम करता है तो उसके इन्वायरमेंट को एक मशीन होती है WBGT मशीन, तो इक्विपमेंट होता है उससे हम पता लगा देते हैं कि ये व्यक्ति इसमें इतने मिनट काम करेगा और इतने मिनट बाहर आके आराम करेगा, काम के ऊपर उसके इन्वायरमेंट को चेक करते हैं, उस टेम्परेचर को चेक करते हैं कि 30 डिग्री के टेम्परेचर पे कितने घंटे काम करना है, कितना आराम करना है, 50 डिग्री के टेम्परेचर पे कितना आराम करना है, कितना काम करना है, तो वो सारी एक वो आती है, लिस्ट आती है, वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाउ यू गिव क्लियरेंस टू वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, आप जो एक कन्फाइंड स्पेस में अगर काम करा रहे हो तो क्लियरेंस कैसे दोगे, क्या ऐसा करोगे कि आप कन्फाइंड स्पेस के लिए कह दो, ऑर्डर दे दो कि हाँ आप जा सकते हो, कौन कौन सी पॉइंट है, कौन कैसे आप करोगे, इक्विपमेंट में आपको वैसा एंट्री लेनी है तो क्या करोगे, उससे पहले क्या करोगे ये पूछा जाता है कि अगर आपको कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करानी है तो क्या क्या सावधानियां रखोगे। नेक्स्ट हमारा चेकलिस्ट पॉइंट इन कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में जो एंट्री होती है तो उसकी चेकलिस्ट क्या है, कौन कौन से चेक पॉइंट हैं, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हैं, तो वो सारी चेकलिस्ट भी पूछी जाती है। चेक पॉइंट या चेकलिस्ट क्या क्या देखी जाती है वो क्या है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले वो पूछा जाता है। डिफरेंट बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसीडेंट, इंसीडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है ये पूछा जाता है। डिफाइन हजार्ड्स इंजरी एंड रिस्क, हजार्ड्स क्या है, इंजरी क्या है और रिस्क क्या है इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो आई होप आज का ये जो क्वेश्चन है इसमें से मैक्सिमम आपको पता होगा, और जो जो पता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इन फ्यूचर मैं इनके आंसर भी बताऊंगा। फिलहाल आपको ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।